नहीं नहीं ओए कुछ नहीं करता बिल्ली का बच्चा हो गया कहाँ है एक ही बच्चा एक कुत्ता भी आवाज जान कर बंदा वाला मैं तो लपाई सोच रहा था गुलदार प्रवाहित क्षेत्र तुम लोगों से झूठ क्या बोलना है सच सच बताना तो मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे ये ना यहाँ पे चलती गाड़ी से कूद गया बारिश भी हो चुकी है यहाँ पे काफी तेज तुम लोग वो देखो ऊपर मैं तो जस्ट अभी सो के उठा था हाँ एंड मेरी ना आँखें भी नहीं खुल रही इसलिए मैंने ना कैप पहन ली जो बादल मैं तुम लोगों को दिखाना चाह रहा था घर चल नहीं 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 ओए कुछ नहीं करता तुम चिल्लाए ना तब कराओ से जाओ जाओ लगी तो नहीं गई तू क्या बदनामी करा रही की तूने तूने सुबह सुबह उस लड़की को काट दिया था घर चल घर चल अब पापा इसने पलटा दिया तो उस लड़की को भी अरे वो आई खेत से निकला और कूद गया उस पर कि ऐसा करता नहीं कभी बट इसने ऐसा करा उसके बाद मम्मी ने मेरे को एक चीज़ बताई थी 3-4 दिन पहले की बात है इसने 2-3 ओंडे पलटाए यहाँ पे तुलास के पता नहीं चश्मा पहन के आ रही थी अरे पता नहीं कहाँ गिर सिट परसों भी गिराया था ना इसने इसके लिए कम से कम 8-9 चेन लेके आ चुके हैं इसने सारी लोहे की संगलें तोड़ दी भाई ऐसा तोड़ता है ना इसके लिए वो भैंस वाली संगल लानी पड़ेगी पता है इसके लिए लीश लाई थी 7-8 इसने सारी लीश भी तोड़ अच्छा बहुत शैतान हो रखा भाई ये बहुत लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा इसको पता तुम्हें तो हाँ जी मैंने जस्ट सो के उठा अभी ठीक है अराउंड 9 बजने वाले ये चेक करो तुम लोग भाई दबे मेरे ये कितना अजीब लग रहा है ना यहाँ पे जैसे नहाने के बाद आया तो मैंने टॉवल तो ना ऐसा करके यूँ रब करा मतलब थोड़ा ज़ोर से तो निशान पड़ गया था इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है ना और ये ना कब से हो रही है तुम नदियों में चेक करोगे ना इतना ज़्यादा पानी भर गया होगा ना नहीं मतलब फुल पावर वाला भाई क्या हाल है टिक्का विक्का लगा के सही है भाई मेरी बिल्ली का बच्चा होगा कहाँ है एक ही बच्चा होगा एक ही बच्चा हुआ आज ही तो देखा मैंने अभी तो देखा सुबह सुबह एक ही हुआ सिर्फ वो तो यार 2-3 दिन पहले हो गया मुझे लग रहा क्योंकि वो यहीं थी पता है सो रही थी वो देखा उसका एक बच्चा सो रहा था आज भोलू की बिल्ली का बच्चा हो चुका है तुम लोग सोचते हो कि मैं बार बार इसी को क्यों पहन रहा हूँ व्लॉग में बेसिकली मैं इसे इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि ये पूरा वाटरप्रूफ है भाई दिखाऊं तो गोप्रो भी मेरा अंदर ही रहता है फ़ोन भी अंदर कोई दिक्कत नहीं है साथ ही साथ जो नीचे का ये है ना ट्रैक सूट टाइप ये भी पूरा वाटरप्रूफ है तो वो चीज़ अब सबसे सही है हम लोग जाते हैं बिल्कुल नहीं भीगेंगे भाई तो गाइस हम लोग जस्ट निकल रहे अपने घर से आई नो बारिश आ रही है बारिश में आना बहुत गलत है बट भाई मेरे को ना व्लॉग ही बनाना है हम लोगों को नहीं पता हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं बट कोशिश पूरी करूँगा कि तुम्हें व्लॉग देखने में बहुत मज़ा आए ना अंदर आना प्रियंका फ़ोन नंबर है पूछ लो एक बार जाके अंदर वाले रूम में कुत्ता भी आवाज़ भयंकर बंदा हुआ एक बार चल जाओ रुको मैं पूछता हूँ प्रियंका प्रियंका तुम्हारा नाम प्रियंका है तुम्हारी दोस्त आ रही है बाहर मिलने अंदर ही है वेलकम आगे हम लोग जा रहे हैं जंगल एंड हम लोगों के साथ जा रहे हैं एंड हम लोगों के साथ जा रहे हैं मेरा छोटा भाई का इसके हाल है मेरे भाई बढ़िया थैंक यू ये देखना यहाँ पे मैं तो लव बाइट सोच रहा था सिंगल सिंगल लोगों की कहाँ होती है लव बाइट बता अब चल चल स्कूल की नहीं गई स्कूल गई गई आ गई झगड़ू वाली सुबह सुबह
तो गाइस बेसिकली हम लोग आए थे अपने मैनेजर के पास, क्या हाल है मेरे भाई, बढ़िया बढ़िया भाई। इसको भी हम लोग आए ब्रो को कट, देखो मैं भी मराने वाला हूँ, मैं यहाँ से कट मरवाऊंगा दोनों भाई मरा जस्ट माना के तरह। नहीं अभी सो के उठा है मैंने, इसे घर आया इसको उठाने। सो भाई फिलहाल हम लोग चलते हैं ऊपर, ऊपर वहाँ नहीं जंगल में। जंगल एंड तुम लोगों से अंदर ही मिलते, अगर हम लोग नहीं रहे ना तो लेजेंड नेवर डाइज। गुलदार प्रवाहित क्षेत्र गाइस, तुम लोग आगे का रास्ता चेक करो भाई, बारिश की वजह से ना पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है एंड गाड़ी चलाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, मतलब इस मौसम में ना ये जो बरसात का सीज़न होता है ना इसमें जो गुलदार वगैरह होते हैं ना या जंगली जानवर वो सारे ना बाहर निकलते हैं शिकार करने को। तुम लोगों से झूठ क्या बोलना है, सच सच बताना तो मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ना एकदम शांति सी है एंड आगे रास्ता चेक करो भाई। एक तो बारिश का मौसम भी है गाइस, तो डर तो लग रही है बट देखते हैं आगे गाइस। जय श्री राम, देखी जाएगी जो कुछ होगा। इधर को उधर को, इधर को भागा हिरण भाई। तो गाइस भोलू ने ना अभी हिरण देखा है, भोलू बोलना पीछे से बोल कुछ। हाँ भाई हिरण ही देखा मैंने भाई, उछल उछल के जैसे हिरण का वो इतनी स्पीड में गया ना भाई कि सच बताओ ना, ना मेरे को देखा ना कल्लू को, क्योंकि हम दोनों बातों में लगे थे और हमारा कैमरा भी ऑन नहीं था। क्या पता गुलदार पीछे भाग रहा उसके, क्या मूवमेंट होता है ना लो। अबे यार मैंने देखा नहीं यार भाई, तेरे सामने से गया बिल्कुल। कल्लू कैमरा आगे रख, क्या पता कुछ दिख जाए। अबे बोलो को दिखा, बोलो फिर। अबे यार बाय। तो गाइस हम लोग ने जो जाए थे हमने सोचा कि कट जाए ये ना यहाँ कुछ वो जल्दी गाड़ी से कूद गया। चल यार साला कह रहा था काट दूंगा काट दूंगा। काट तो दी थी भाई, मेरे को क्या पता था फिसल जाएगी गाड़ी पीछे की। आ जाओ बैठो। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सनो बेटा। फिर से मत गिरा दिया ना, ना नहीं गिरा इस बार, कीचड़ है ज्यादा भैया तो गिर जाएंगे आराम से नंदू। ओए गिली मिट्टी हो, पांव 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 कीचड़ में हो गया था, वहां से चल ले यार, मेरा पांव कीचड़ में हो गया। वो देखो गाइस जंगली मुर्गा, जंगली मुर्गा की टीचर है वो, उधर दिखा उधर दिखा वो दिखा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, पुण्य का काम कर रहे हो तुम लोग। तो तुम लोग वो चेक करो वहाँ नदी कितनी भयंकर आ रही है भाई, भाई बहुत भयंकर सीन हो रहा है। फिलहाल के लिए बारिश भी हो चुकी है यहाँ पे काफी तेज, तुम लोग वो देखो ऊपर मेरे तो ये वो है वाटरप्रूफ। तो वाटरप्रूफ है तो क्या सर पे नहीं है। यहाँ के लोगों को ना एक फायदा ये होता होगा कि यहाँ से ना पहाड़ बहुत ज्यादा पास है। दीपक जोशी यहाँ बहुत पहले से वहाँ। तो गाइज हम लोग जैसे आए थे माता जी के मंदिर पे, फिर से आ चुके आशीर्वाद लेके, फिलहाल के लिए चलते हैं नीचे मिलते हैं सैलो के लोग। क्या हाल है भाई, बढ़िया। तो गाइस हम लोग जैसे नदी देखने आए थे, हमें मिले यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे। तुम्हारा नाम क्या है भाई? तारा। और तुम्हारा नाम? सॉरी यहीं के तुम। बाकी मैंने अपने चैनल का नाम बताया, घर जाके पक्का देखोगे ना भाई? हाँ भाई। चलो ठीक है फिर, कल वाले व्लॉग में आओगे तुम लोग। तो हाँ जी फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं खेल रहे हैं फुटबॉल। मैं जब आया था फॉक मेरे शूज गीले हो गए, अरे यार मेरे शूज गीले हो गए। तो गाइस फिलहाल हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड में खेलने, तुम ये चेक करो भाई क्यों मस्त मौसम हो रहा ना। सारे घर वाले यहाँ बैठे थे, पापा यहाँ पे, क्या हाल है पापा? बढ़िया बढ़िया। पापा यहाँ पे, मम्मी यहाँ पे एंड इसको खैर मैं व्लॉग में लेता एंड जिमी भी साथ में यहाँ पे है ना। सो गाइस यहाँ वगैरह आने ना खेलने,
कुछ टाइम बाद हम लोग एक चेस्ट माउंट होता है गोप्रो का, वो ले लेंगे एंड उसे लगा के फुटबॉल खेलेंगे। मतलब जैसे वो ना यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये पूरी बॉल कंट्रोल होते हुए दिखेगी तुम्हें मस्सी। सो हाँ, कुछ टाइम बाद हम ये भी कर लेंगे शायद अगले संडे को, तभी फिलहाल के लिए खेलते हैं। खेलने के बाद मिलते तुम लोगों से। खेलने का सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि एक तो तुम फिट रहते हो और दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें नींद काफ़ी अच्छी आती है। मतलब व्लॉग एडिट करने के बाद मैं चित हो जाता हूँ, ज़्यादा फ़ोन भी यूज़ नहीं करता। सो वही 7 साल का था ना, मैं तब से फुटबॉल खेलता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस व्लॉग मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट व्लॉग इट विल बी सेफ एंड स्टे सेक्सी बेबी। मुझे नहीं पता मैं क्या कंटेंट बनाऊंगा क्या नहीं, बट मैं अपने एंड से पूरी जान लगा दूंगा एक अच्छा कंटेंट निकालने में। तो हाँ, फिलहाल भी कल वाले व्लॉग में मिलते हैं। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आई लव यू लॉर्ड गाइस।